संजय पूनम आप दोनों से जानना चाहेंगे, सबसे पहली मुलाकात और क्या जरूरी है कि प्यार के लिए कोई दिन मुकर्रर करा जाए? सबसे पहली मुलाकात फेसबुक पे हुई थी, सोशल मीडिया का ज़माना है, सो फेसबुक पे हम लोग की चैटिंग शुरू हुई, उसके बाद फ़ोन पे बातें, सो वहाँ पे ही एक कनेक्ट, एक वाइब यू नो हमारी मैच हो गई थी, हम कनेक्ट हो चुके थे। उसके बाद पूनम दिल्ली से मुंबई आई एंड मुंबई एयरपोर्ट पे मैं पिक करने गया था, रिसीव करने गया था पूनम को। सो जब पहली बार पूनम को देखा तभी पहली नज़र में प्यार हो गया। फिल्मी सिचुएशन थी, ऐसे लग रहा था कि यू नो मेरी लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं है, ऐसे लग रहा था कि मैं किसी फिल्म का हिस्सा हूँ और मेरी हीरोइन सामने से चल के मेरे पास आ रही है। सो वो थी पहली मुलाकात एंड प्यार का इजहार करने के लिए कोई एक मैं क्या कहता हूँ कि सारे दिन अच्छे हैं, हर दिन कोई भी दिन गलत नहीं है। प्यार का इजहार तो आप कभी भी कर सकते हो, ना कोई दिन ना कोई वक्त आपको दिया गया है या लिखा गया है कि इसी दिन या इसी वक्त आपको प्यार का इजहार करना होता है। बट एक स्पेशल डे, जैसे एक फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, वैसे ही वैलेंटाइंस डे है। एक स्पेशल डे अगर हमें दिया जाता है तो उस दिन हम थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो उसमें कुछ खराबी नहीं है। एंड प्यार को यू नो सेलिब्रेट करने के लिए तो हर दिन ही अच्छा है, बट अगर एक ऐसा स्पेशल, एक इम्पॉर्टेंट दिन अगर हमें दिया गया तो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर लव विथ ऑल योर हार्ट। पूनम आप कहें? जब हम पहली मुलाकात तो इन्होंने बता ही दी है, हमारी फेसबुक पे हुई थी एंड पर्सनली डेफिनेटली आई ऑल्सो सॉ हिम एट द एयरपोर्ट। तो इन्होंने ब्लैक शर्ट पहनी थी एंड ब्लू डेनिम पहनी थी और बहुत बहुत हैंडसम लग रहे थे, तो मुझे तो तभी बटरफ्लाइज आ गई थी कि ओ माय गॉड क्या होने वाला है, क्योंकि अभी हमने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया बट हम दोनों को सिर्फ पता था कि हाँ मैं इसको लाइक करती हूँ और सिर्फ इसको पता था कि ये मुझे लाइक करता है। हमने उस टाइम तक कन्फेस नहीं किया था बट पता था कि हाँ समथिंग इज़ देयर, क्योंकि हमारी वाइब्स मैच हो गई थी। बट देन आफ्टर 5 days जब मैं वापस जा रही थी मुंबई से दिल्ली, तो इन्होंने प्रपोज कर दिया था एंड बस हाँ मतलब काइंड ऑफ DDLJ वाली फीलिंग, बट उससे भी ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल इन्होंने जो मुझे प्रपोज किया था सबके सामने, जब लोग एयरपोर्ट पे देख रहे थे जिस तरीके से, मुझे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी। एम्बैरेसमेंट मतलब देन मुझे अच्छा भी लग रहा था, ऑब्वियसली मुझे पूरी अटेंशन मिल रही थी, बट यू नो हो जाता है समटाइम्स कि ओके इतने सारे लोग हैं क्या सोच रहे होंगे, एंड देन इज लाइक ओके लेट इट बी, मैं जिसको चाहती हूँ एटलीस्ट उसने मुझे प्रपोज तो किया, क्योंकि मैंने उन 5 दिनों में उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे नहीं करने वाला है प्रपोज, मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं वो नहीं करता लगता मुझे लाइक ऐसी, बट देन ही प्रपोज ने इज लाइक ओ माय गॉड। बट आफ्टर 15 मिनट्स ऐसा है सेंड अ मैसेज, भारी वेट कर रहा था अपनी कार, इनको लग रहा था कि मैं अपनी फ्लाइट छोड़ के आ जाऊंगी, मुझे ऐसा हो रहा था कि कुछ जवाब तो देके जाती, मैंने प्रपोज किया तो कुछ तो हाँ ना या कुछ तो हिंट तो देके जाती, बिना कुछ हिंट दी अदर चली गई वो सिक्योरिटी गेट से और उसके अंदर मैं जा भी नहीं सकता, कोई भी नहीं जा सकता। सो मैं एयरपोर्ट के बाहर ही वेट कर रहा था, मैं फ़ोन को हाथ में लेकर वेट कर रहा था कि अब मैसेज आएगा, अब कॉल आएगा, कुछ तो हिंट मिलेगी, तो 10-15 मिनट तड़पाया मुझे बहुत। पूनम क्या बात है संजय की जो बाकी लोगों से इन्हें जुदा करती है, खास बनाती है? सोचना पड़ रहा है? नहीं सोचना नहीं पड़ रहा, मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मैं इतना लंबा आंसर छोटे में कैसे दूं, क्योंकि आई थिंक ही इज़ द बेस्ट। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि अगर मैं मुंबई में हूँ तो वो मैं संजय की वजह से हूँ, बिकॉज इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है यहाँ पे, क्योंकि मैं एकदम रॉ आई थी, ना मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स थे ना मैं किसी को जानती थी, ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे सारे कॉन्टैक्ट्स दिए, मुझे लोगों से मिलवाया, मुझे कैमरा के आगे और कैमरा के पीछे की चीज़ें समझाई, क्योंकि ये खुद फिल्म मेकिंग स्टूडेंट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आई थिंक ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आप इनके साथ कोई भी किसी भी टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन अगर आप करो तो ही कैन ईजिली पुल ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन,
एंड मुझे ऐसा कोई इंसान चाहिए था अपनी लाइफ में कि जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकूँ, या अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं इनसे उस चीज़ के सॉल्यूशंस ले सकूँ. सो ही इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी केयरिंग, एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है इनमें कि ये लड़कियों की इज्जत बहुत करते हैं, जो मुझे आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ये हर लड़की की उस तरह से इज्जत करता है जिस तरह से ये मेरी एक लड़की की होनी चाहिए, उसको उतनी रिस्पेक्ट देता है. सो ही दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. व्हाट स्पेशल अबाउट पूना? एवरीथिंग मतलब राइट फ्रॉम हर ऑनेस्टी, हर सिंप्लिसिटी, सब कुछ. मतलब मेरे पास भी वही सारे जवाब है कि इतनी सारी चीज़ें कि मैं कौन सी पहले बताऊँ, कौन से बाद में बताऊँ. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज़ हर सिंप्लिसिटी, हर सेल्फलेसनेस, ना सिर्फ मेरे लिए बट हर किसी के लिए. ये एक सेल्फिश इंसान नहीं है, ये सेल्फलेस इंसान है. इसके अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है. सो आई थिंक जब मैं पूनम को मिला था, इसी वजह से आई थिंक आई वॉज श्योर कि आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद हर, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली उस वक्त नहीं पता था कि मुझे किस तरह की लड़की के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है. बट जैसे जैसे हमारा रिलेशनशिप ग्रो होता गया, वैसे वैसे मैं और श्योर होता गया कि हाँ, मेरा डिसीजन सही था, दैट शी इज़ द वन. सो एवरीथिंग अबाउट हर, हर ऑनेस्टी, हर सिंप्लिसिटी, हर सेल्फलेसनेस, बहुत सारी चीज़ें जो पूनम की अच्छी लगती है मुझे. थैंक यू. सर जी, क्या जिंदगी में बदलाव आया पूनम के आने के बाद? कई बार ऐसा होता है कि किसी शख्स से आप जुड़ते हैं, प्रोफेशनली पर्सनली ग्रो करते हैं जी, लकी मैस्कॉट भी होता है कई बार कोई शख्स आपकी जिंदगी में, आप हाँ, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैंने जितने भी अवार्ड रिसीव किए हैं, मैंने स्टेज पे ये कन्फेस किया है कि पूनम मेरी लकी चाम है. लकी चाम, मैं एक्चुअली सुपरस्टिशियस नहीं हूँ कि मैंने कोई अंगूठी पहन ली तो मेरे साथ अच्छा होगा, या इस दिन को मुझे इतने बजे ये करना है. नहीं, लकी चाम इन द सेंस पूनम मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रही है, हमेशा मोटिवेट करती है. और कभी कभी मैं थोड़ा सा उड़ने लग जाता हूँ तो मुझे खींच के वापस ज़मीन पे ले आती है. और पूनम के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि मैं बहुत ही सोशल इंसान हूँ, आउटगोइंग इंसान हूँ, मुझे पार्टीज़ करना बहुत पसंद है. तो आई थिंक अगर पूनम मेरी लाइफ में नहीं होती तो मेरा काम पर उतना ध्यान शायद नहीं होता जितना है. मैं जितनी एनर्जीज, जितने फोकस के साथ, जितनी डिटर्मिनेशन और जितनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं सेट पे जाता हूँ कि हाँ, मैं अपना काम जानता हूँ और मैं अच्छा काम करूँगा, ये जो डिटर्मिनेशन और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपको तब आता है जब आप अपने क्राफ्ट पे काम करते हो. तो मैंने अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जीज पूनम के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ काम पर लगा दी, जिस वजह से मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, और जिस वजह से ऑडियंसिस को एंटरटेन करने में मैं सक्सेसफुल रहा, और जिस वजह से मुझे बहुत प्यार मिला. तो आई थिंक उस वजह से मैं पूनम को अपना लकी चाम बोलता हूँ. पूनम क्या मानती है, बहुत एक जब मैं संजय की बात करता हूँ और ऑन स्क्रीन इमेज की बात करता हूँ, बड़ी नेगेटिव इमेज है भाई, करना है, और बिल्कुल सॉफ्ट साइड है उनकी अगर उनको रियल जिंदगी में देखा जाए. इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, एंड हाउ डू यू मैनेज संजय टू पोर्ट्रे सच अ नेगेटिव कैरेक्टर ऑन स्क्रीन? I feel ये अपने क्राफ्ट पे बहुत मेहनत करता है डेफिनेटली. घर आके भी सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता रहता है. स्टार्टिंग वन ईयर हमें डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, मुझे बेसिकली प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ये अपना काम घर पे ले आता था. तो मैं उसको समझाती थी कि देख, मैं मानती हूँ कि तू नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा है, बट दैट डजेंट मीन कि तुम वो पूरा एग्रेशन घर पे लेकर आओ, वो वहाँ किया वहाँ पे छोड़ आओ. बट ये उस कैरेक्टर में धीरे धीरे जीने लग गया था. तो मैंने बोला लिसन, दिस इज नॉट गोना वर्क, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट. सो हम दोनों ने साथ में उस पर वर्क किया, एंड आई थिंक उसने अपने ऊपर कुछ ज़्यादा मेहनत करी, और उसके बाद
रिजल्ट सबके सामने है, अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है उसको, और रियल लाइफ में ये कम्प्लीटली 360 डिग्री उल्टा है। रियल लाइफ में बहुत ही चिल्ड आउट है, बहुत एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है कि ये बहुत इमोशनल है, जब ये चीज़ों से ओवरवेल्म्ड हो जाता है तो ये कभी कभी रो भी देता है। तो सबके सामने नहीं रोता बट डेफिनेटली मेरे सामने रो देता है, तो मुझे वो साइड पता है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यारों का यार है, अगर ये किसी से अटैच हो गया तो उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करेगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार भरा हुआ है जो ये मुझे तो देता ही है, अपनी फैमिली को भी देता है बट अपने फ्रेंड्स को भी देता है। सो या क्या बोलूँ मैं, सो बिफोर कुंडली भाग्य से पहले जो भी मैंने शोज़ किए थे, हार्डली कोई भी शो चला था 4 महीने 5 महीने, तो मैं बहुत टाइम से मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट करना था जिससे मैं अपने घर वालों को बोल सकूं या फिर बोलने की ज़रूरत भी ना पड़े। मैं ऐसा प्रोजेक्ट करना था जिससे मेरे वेल विशर्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स प्राउड फील करें मुझ पर। ऐसा नहीं कि मैं पहले मेहनत नहीं करता था, पहले भी करता था, बट बिकॉज एक टीवी शो को लॉन्ग रन बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश होते हैं, तब जाके एक्टर्स को थोड़ा सा नाम, थोड़ी सी फेम मिलती है, रिकग्निशन मिलती है। तो मैं बहुत टाइम से एक ऐसा शो करना चाहता था जो लंबा चले, जो एक हिट शो हो, ताकि लोग मेरी मेहनत को, मेरे क्राफ्ट को, मेरे टैलेंट को पहचान पाए। तो मेरी कुंडली भाग्य में कास्टिंग हुई थी, इट वाज सपोज टू बी अ कैमियो, 3 महीने का रोल था। लेकिन मैं डे वन से ये ठान के गया था कि हमारे देश का सबसे बेस्ट प्रोडक्शन हाउस है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल, एंड बहुत बड़ा शो है, तो यहाँ पे तो मुझे साम दाम दंड भेद सब कर देना है, कुछ ऐसा कमाल करना है कि ये जो 3 महीने का रोल है ना, ये एक परमानेंट रोल बन जाए। तो मैंने अपना सब कुछ, जो भी मैंने सीखा था इस शो से पहले, वो सब कुछ एग्जीक्यूट कर दिया, सब लगा दिया, एंड सी मैजिक हो गया। जो मैंने मैनिफेस्ट किया था यूनिवर्स के साथ वो हो गया, मुझे नेगेटिव लीड बना दिया, खलनायक बना दिया इस शो का, और ऑडियंसेस ने, नॉट खलनायक, आई वुड से विलन हीरो, ऑडियंसेस ने इस कदर से एक्सेप्ट किया कि 3 साल से ऊपर हो गए शो में, एंड अभी मैं कमबैक भी करने वाला हूँ। पिछले मैं 6-7 महीने से आउट ऑफ एक्शन था, बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे, तो अब मैं कमबैक कर रहा हूँ वापस, और उसका मेन रीज़न भी ऑडियंसेस ही है, क्योंकि उनकी डिमांड और टेलीविज़न, मेरे ख्याल से जो मैंने सीखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि ऑडियंसिस को जो चाहिए वो उन्हें केटर करो। तो अब मुझे केटर वापस किया जा रहा है, क्योंकि ऑडियंसिस की डिमांड है, वो मेरे रोल को मिस कर रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट मैं उन्हें प्रोवाइड करता था वो मिस कर रहे हैं। तो कम बैक कर रहा हूँ। सो आई थिंक ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन जो डिफ्रेंसिएशन है, वो मैं कैसे कर पाता हूँ, वो ऐसे कर पाता हूँ क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ। जो ऑन स्क्रीन मुझे करना है वो मेरा क्राफ्ट है, जो ऑफ स्क्रीन मुझे रहना है वो, उसमें कोई क्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, वो मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहना है। अगर मैं ऑन स्क्रीन कुछ एक नेगेटिव रोल को अच्छी तरह से पोर्ट्रे ना कर पाऊँ, इसका मतलब ये है कि मेरा क्राफ्ट कच्चा है, या फिर मैंने लाइफ में उतनी मेहनत नहीं की है, या फिर मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। तो आई थिंक अगर लोगों को मेरा रोल पसंद आया है तो उसका मतलब ये है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। कब तक ये जो आपने बताया कमबैक हो रहा है, ऑन एयर कब तक हो जाएगा, क्या तैयारियां चल रही हैं संजय? बहुत जल्द, आई थिंक एक हफ्ते में कमबैक हो जाएगा, एंड तैयारियां तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। हाउ यू रिएक्टेड व्हेन द मेकर्स, द प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड यू अप एंड सेस कि बॉस तैयार हो जाइए, You're back. मैंने कहा या आई एम एवर रेडी, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो कुंडली भाग्य की वजह से ही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने शोज़ किए थे उससे तो कोई जानता नहीं था। तो बालाजी टेलीफिल्म्स मेरा परिवार है, इट्स लाइक होम, एंड मैंने बोला कि मैं तो रेडी हूँ, आप बस बताइए कब धमाका करना है। इस बार कुछ नए इनपुट्स होंगे क्या?
बिल्कुल नया शेड होंगे आपके किरदार में, बिल्कुल बिल्कुल एक रिवैम्प्ड लुक होगा एंड और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा एंटरटेनिंग। तो ऑडियंसिस की वही डिमांड है जो एंटरटेनमेंट मिस कर रहे थे आज 6-7 महीने से, तो अब प्रेशर डबल हो गया है उन्हें एंटरटेन करने का। तो वो जो 6-7 महीने उन्होंने मिस किया ना, वो मैं अभी अगले 3-4 महीनों में ही वो एंटरटेनमेंट पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें उस लेवल के एंटरटेनमेंट दे पाऊँ। शादी कब तक कर रहे हैं आप लोग? हम तो मैं तो चाहता हूँ कल के कल ही हो जाए, बट अभी 2-3 महीने में हम घर वालों से बात करने वाले हैं, बिकॉज हम दोनों बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। सो पहले फैमिली की ब्लेसिंग्स लेंगे और उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से डेट लेंगे, क्योंकि घर में बड़े भी हैं और अभी तो वैक्सीन सिर्फ हेल्थ केयर कम्युनिटी को नसीब हो रही है। जिस दिन हम सबको नसीब हो जाएगी तो आई थिंक उस दिन थोड़ा सेफ हो जाएगा, यू नो, शादी में लोगों को, गेस्ट को इनवाइट करना। सो आई थिंक और 2-3 महीने वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं हम कि वैक्सीन नॉर्मल हो जाए, कि क्या यू नो स्टेटस है, कब तक सबके पास आ जाएगी। सो आई थिंक जैसे ही पहला डोज लग जाएगा उस दिन हम डेट अनाउंस कर लेंगे घर पे पूछ के। कर तो हम पिछले साल ही लेते, बट पिछले साल तो किसी का भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारे सारे प्लान्स पे पानी चला, पूरी दुनिया का प्लान अनसक्सेसफुल हो गया पिछले साल, लेकिन ये साल बहुत पॉजिटिव लग रहा है। ये साल ना सिर्फ हम में, बट मैं देख रहा हूँ हर किसी में एक नई एनर्जी दिख रही है, क्योंकि पिछले साल सब लोग इतना बोर हो गए कि इस साल सब लोग डबल मेहनत करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। राइट, एंड आई एम श्योर कि अगले 2-3 महीने में तो सारी चीज़ें, जो भी लॉसेस, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब फ्लश आउट होने वाली है, सब अच्छा होगा, ऑलमोस्ट सब बैक टू नॉर्मल हो ही गया है। एंड बस यही प्रे करते हैं कि अभी जल्दी जल्दी और सब सही हो जाए, सो दैट हम शादी कर सकें। आखिरी सवाल, प्लीज डिफाइन लव। प्यार दोस्ती है, ये तो फिल्मी डायलॉग है। सो यू आर फिल्मी ना? मैं फिल्मी हूँ। तुमने फिल्मी तरीके से प्रपोज किया, अब मैं फिल्मी डायलॉग बोल रही हूँ। आपका बिलीव क्या है? आपका बिलीव वही है? नहीं नहीं, हाँ एग्जैक्टली। प्यार एक बहुत प्यारी सी फीलिंग है, बहुत प्योर। आई थिंक मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती यार, लव इज लाइक सेल्फलेस प्यार। लव अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से लव एक इमोशन है, एक एक्सप्रेशन है। उस इमोशन और एक्सप्रेशन की वजह से आप जो करते हो वो प्यार है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्यार का जो अपोजिट है वो है गुस्सा, हेट्रेड। जब आप किसी से नफरत करते हो, या तो आप अंदर ही अंदर उस इंसान के बारे में कुछ बुरा सोचते हो, या गलत चाह रहे होते हो, या फिर आप अगर यू नो वायलेंट हो तो आप वायलेंस करते हो, वो है हेट्रेड। तो इन द सेम मैनर लव इज़ ऑल्सो एन इमोशन, इट इज़ एन एक्सप्रेशन। कभी कभी आप इजहार करते हो या फिर अपने अंदर ही रख देते हो, कभी कभी इजहार करते हो, कुछ अच्छी क्यूट सी हरकतें करते हो, या फिर बोलते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो प्यार एक बहुत ही ब्रॉड इमोशन, बहुत ही ब्रॉड एक्सप्रेशन है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड से प्यार कर सकता है, एक हस्बैंड एक वाइफ से प्यार कर सकता है, कोई भी दो इंसान या फिर दो लिविंग बीइंग भी। जैसे मेरे पास दो पेट्स हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो बिकॉज उस इमोशन में आके मैं दिन में 50 बार उन्हें गोदी में लेता हूँ, उन्हें कडल करता हूँ। सो वो दैट इज़ लव फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।